हाय एवरीवन, आपका टैली प्राइम एपिसोड 2 में स्वागत है। जैसा कि पिछला वीडियो में आपने देखा था, लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, आइटम कैसे क्रिएट करते हैं और परचेज एंट्री कैसे करते हैं उस बारे में। लेकिन आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि एक ही परचेज वाउचर में 2 जीएसटी रेट है 2 आइटम पर, तो एक ही परचेज वाउचर में कैसे एंट्री करते हैं। वही दूसरा समझेंगे, आइटम पर डिस्काउंट दिया गया है तो उसका एंट्री कैसे लेते हैं। तो हम लोग यहाँ जो भी यूज करेंगे, शॉर्टकट की वाउचर में जाके पूरा शॉर्टकट की यूज करके और इस वीडियो में जानेंगे और समझेंगे। तो आइए चलते हैं अभी आपको लेकर टैली का जो पिछला एपिसोड बनाए थे उसी में आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, पिछला बार आपको इस एंट्री के बारे में बताए थे। अभी जो आप जानने वाले हैं, वहाँ एक न्यू एंट्री करने वाले हैं। हमारे पास एक इनवाइस है, इस इनवाइस को हम लोगों ने डायनेमिक सौरभ से कुछ मटेरियल्स खरीदे हैं, तो उसी का एंट्री करने वाले हैं। तो माउस और कीबोर्ड खरीदे हुए हैं जिसमें जीएसटी लगा हुआ है 3312। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि माउस पर जो है वो 5% जीएसटी लगाया हुआ है पार्टी ने, और वही बात किया जाए इसका कीबोर्ड पर तो यहाँ 18% जीएसटी लगाया हुआ है, 9% सीजीएसटी, एसजीएसटी 9%, ये हो गया 18%। तो हम लोग इसी के बारे में जानने वाले हैं और इसका एंट्री बुक करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आ जाएंगे यहाँ पर वाउचर में। वाउचर में आपका जो भी हो F8 सेल्स का है, F9 पर प्रेस करेंगे और परचेज वाउचर में आ जाते हैं। यहाँ पर सप्लायर इनवाइस नंबर, पार्टी का इनवाइस नंबर देते हैं, जो डेट है वो फिल करेंगे और यहाँ जो पार्टी का नाम है वह क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्रिएट करने के लिए Alt+C, जैसे यहाँ डायनेमिक सौरभ से हमने परचेज किया है, मेरे में ऑलरेडी बना हुआ है, एक बार लेजर बना रहेगा तो सेम नेम से आप दूसरा बार बनाना चाहेंगे तो नहीं बनेगा, कुछ यूनिक इसमें देना पड़ेगा। जैसे लास्ट में यहाँ 1 दिया मैंने, सैंडी कैरेक्टर्स रहेगा यहाँ, उसके बाद मेंटेन बिल बाय बिल यस रहेगा, यहाँ एड्रेस रहेगा पार्टी का जो भी रहे वो एड्रेस फिल कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे जो भी पार्टी का पैन कार्ड डिटेल है वो यहाँ फिल करना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ रेगुलर सिलेक्ट करेंगे, यदि जीएसटी रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है तो अनरजिस्टर्ड सिलेक्ट करेंगे। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल नो रहेगा। मैं इसका लेजर ऑलरेडी बनाया हुआ हूँ, आपको यहाँ का प्रोसेस दिखा दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ डायनेमिक सौरभ को सिलेक्ट कर लिए। यहाँ पर हम अभी फिलहाल कुछ नहीं दे रहे हैं, आप दे सकते हैं इनवाइस नंबर किस थ्रू डिस्पैच हुआ है, तो व्हीकल नंबर भी आप यहाँ दे सकते हैं, ट्रांसपोर्टर नेम है तो यहाँ ट्रांसपोर्टर नेम, कैरियर एजेंट नेम में, और यहाँ कंसाइनमेंट नंबर है ट्रांसपोर्टर का कॉपी तो वो उसका नंबर यहाँ देना होता है, डेट, ये हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ आगे बढ़ते हैं। यहाँ परचेज लेजर में, अंडर परचेज लेजर में परचेज सिलेक्ट रहेगा, तो यहाँ मैं आपको एक बार Ctrl+Enter प्रेस करूंगा परचेज का अल्टरेशन मोड में चला जाऊंगा, जहां से मैं परचेज लेजर को किसी तरह से भी चेंज कर सकता हूँ। अभी आगे हम लोग अल्टरेशन मोड, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों परचेज लेजर जो है अंडर परचेज अकाउंट्स है, टाइप ऑफ लेजर नोट अप्लीकेबल किया हुआ है, इज जीएसटी अप्लीकेबल, अप्लीकेबल रहेगा ये, इसके नीचे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, तो इसको आपको नो रखना है। टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विस है एंड गुड्स है, यहाँ पर आपको गुड्स सिलेक्ट करना है क्योंकि हम लोग गुड्स परचेज करने वाले हैं, इसीलिए गुड्स सिलेक्ट हो गया। उसके बाद इसको सेव कर देना है। अब यहाँ पूछेगा क्लासिफिकेशन नेचर, तो यहाँ पर स्पेस बार दबाएंगे एक बार, उसके बाद यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा परचेज टैक्सेबल, यहाँ पर आपको परचेज टैक्सेबल दिख रहा है, इसको सिलेक्ट कर लेना है, मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया। अब आता है यहाँ आइटम, तो हमने परचेज किया है माउस, तो मेरे पास यहाँ माउस का लेजर नहीं बना हुआ है, मैंने स्पेस बार दबाया यहाँ खुल गया है, तो माउस का लेजर नहीं, आइटम नहीं बनाया हुआ है, तो हम यहाँ आइटम बनाने के लिए Alt+C शॉर्टकट की का यूज करेंगे। यहाँ टाइप करते हैं माउस, अंडर प्राइमरी रखेंगे, यहाँ पे पीस में, यूनिट में पीस में सिलेक्ट करेंगे पीस, यहाँ जीएसटी अप्लीकेबल, अप्लीकेबल रहेगा, सेट जीएसटी डिटेल्स यस रहेगा,
यहाँ पर हम HSN जो भी है हम पार्टी का इनवाइस देख के यहाँ कॉपी करके HSN इसका माउस का पेस्ट कर दे रहे हैं, कॉपी कंट्रोल सी कॉपी किए, यहाँ पे HSN इसका पेस्ट कर दिए। अब आगे इसका है कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू रहेगा, टैक्सेबिलिटी यहाँ पे टैक्सेबल रहेगा, और यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स में हमको देना है जो GST रेट है 5%, उसे मैंने यहाँ इंटर किया। उसके बाद एंटर करके टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स, उसके बाद यस। यहाँ पर अब हम माउस कितने पीस परचेज किए हैं उसको देखेंगे। तो यहाँ देखने के लिए कितना है, 250 पीस मैंने परचेज किया है, तो यहाँ पर 250 पीस क्या रेट है, 170, और इसको एंटर कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त, देख सकते हैं जो डिस्काउंट का एक नया कॉलम खुला है, तो उसे इनेबल या डिसेबल करने के लिए आपको मैं यहाँ प्रोसेस दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको आने के बाद डायरेक्ट आपको F11 पर प्रेस करना है। F11 प्रेस करते ही इस तरह का आपको इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको देखना है यू डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइस, यहाँ पे यस किया हुआ है। यदि हम इसे नो कर देंगे अभी तो वहाँ नहीं दिखेगा। अब इसे सेव कर दे रहे हैं कंट्रोल ए से। अब देख रहे हैं यहाँ डिस्काउंट का कॉलम गायब हो चुका है। तो इसी तरह से है, अभी इसे दूसरा जो आइटम है वो भी इनवॉइस से हम सिलेक्ट कर ले रहे हैं। कीबोर्ड है, कीबोर्ड है कितना, 50 पीस कीबोर्ड, 50 पीस, रेट कितना है, 500 पर पीस है, 500 मैंने यहाँ रेट दिया, 25,000 वैल्यू हो गया, जो कि यहाँ भी 25,000 है इसका। अब यहाँ CGST सिलेक्ट करेंगे, SGST सिलेक्ट करेंगे, टोटल इनवाइस का वैल्यू हो गया 74,125, जो कि यहाँ भी है 74,125। अब हम इसे ईवे बिल डिटेल है तो यहाँ फिल करें, बैक स्पेस दबा के ईवे बिल नंबर फिल करें, जो भी है आप यहाँ फिल कर सकते हैं, ईवे बिल डिटेल फिल कर सकते हैं, डेट डिस्पैच फ्रॉम, ये सब डिटेल है ईवे बिल तो आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद इसको हम सेव कर दे रहे हैं, यस एंटर दबाएं, सेव हो गया। अभी हम जानेंगे जो हमने सेव किया है उस इनवॉइस में देखने चलते हैं। तो यहाँ पर के है डे बुक का शॉर्टकट की, मैं यहाँ माउस से क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं डायनेमिक सौरभ में यहाँ एक एंट्री किया हूँ, ये यहाँ खुल गया, एंटर दबा रहे हैं। यहाँ पे कंट्रोल पी से प्रिंट वाला मेन्यू में चले जाते हैं, प्रीव्यू देखेंगे यहाँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिख रहा है 5% वाला जो GST कैलकुलेट किया है यहाँ, और यहाँ टैक्स एनालिसिस में दिखा दे रहा है 18% वाला, ये रहा। तो ये रहा आपका मल्टीपल परचेज इनवॉइस, मल्टीपल आइटम का परचेज इनवॉइस कैसे एंट्री करते हैं मल्टीपल GST रेट का। अभी जो आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, मान लीजिए इनमें से कुछ आइटम पर हमको डिस्काउंट दिया हुआ रहा था, तो सेम प्रोसेस अभी जो आपको बताए, यहाँ F11 प्रेस करेंगे, और F11 पर प्रेस करने के बाद यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, यहाँ पर आने के बाद इसको यस कर देंगे, यस कर देते हैं और कंट्रोल ए से उसको एक्सेप्ट कर दिए। अब यहाँ डिस्काउंट कॉलम इनेबल हो गया। मान लीजिए यहाँ 1% डिस्काउंट है, तो वहाँ 1 डालेंगे, इस आइटम पर 1% यहाँ डिस्काउंट दे चुका है। वहीं दूसरे आइटम में 5% डिस्काउंट है, तो यहाँ 5, तो यहाँ 5% डिस्काउंट मिल चुका है। इस तरह से हो गया कंप्लीट। अब इसे सेव कर देंगे, रेफरेंस में न्यू रेफरेंस ही रहेगा, यस सेव हो चुका है दोस्तों डिस्काउंट के साथ। प्रीवियस डे का वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा दोस्तों। टैली ट्यूटोरियल का फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ हम आपको पूरा डिटेल में टैली का कंप्लीट कोर्स बेसिक से एडवांस तक बताऊंगा। धन्यवाद।